سلوى الحبيب سورہ حمد سے لے کر
सूरह नास तक नबी की नात है। बहुत से लोग कहते हैं जी इसमें तो कुफार का जिक्र भी है, इसमें तो फिरौन का जिक्र भी है, शैतान का जिक्र भी है, तो आप दूसरे नबियों का जिक्र भी है, आप यूं कैसे कह देते हैं कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारी आका की नात है, ये आप कैसे कह देते हैं? ये तो बिल्कुल जुमला मुबालगे पर मबनी है कि आप अलहम्द से वन्नास तक कहते हैं, बस वैसे ही कह दिया कि अलहम्द से वन्नास तक सारी नबी की नात है, जबकि इसमें फिरौन का जिक्र भी है, मूसा और ईसा का जिक्र भी है, इब्राहिम और इस्माइल का जिक्र भी है। तो ये नबी की नात कैसे हो गई, खातमुन नबीयीन की नात कैसे हो गई? नात की तारीफ में, मदहा की तारीफ में उलमा और मुफस्सरीन ने लिखा है, शारहीन ने लिखा है कि नात के तीन अंदाज होते हैं। एक तो आका अलैहिस्सलाम की मदहा बयान की जाए, वो भी आका की नात है। किसी दुश्मन की, आका के किसी दुश्मन की मजम्मत की जाए, वो भी आका की नात है। और हुजूर के दोस्तों और साथियों का जिक्र किया जाए, वो भी आका की नात है। ये अंदाज बताए गए हैं। देखिए, आप जिससे प्यार करते हैं ना, आपके वालिद की कोई तारीफ करे आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपके किसी दोस्त की तारीफ की जाए आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह जब इब्राहिम और इस्माइल का जिक्र आता होगा तो क्या आका अलैहिस्सलाम खुश नहीं होते होंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त दुआ की थी और उस पत्थर पर खड़े होकर दुआ की थी कि जिसे आज मकाम इब्राहिम कहा जाता है, मकाम इब्राहिम होने की और क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है कि उसके पीछे खड़े होकर दो नफल अदा किए जाते हैं? इसलिए कि वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर के बाद जब रब का मुजदा और पैगाम आया था तो दुआ की थी कि मौला वो अपना महबूब जिसके लिए तूने कायनात को आरास्ता किया है, उस महबूब को मेरी नस्ल में पैदा फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इस पत्थर को मोम कर दो और इस पत्थर पर पैवस्त कर दो इब्राहिम के कदम मुबारक, रहती दुनिया तक तवाफ करने वालों का तवाफ उस वक्त तक मुकम्मल ना हो जब तक, उस वक्त तक तवाफ मुकम्मल ना हो जब तक वो नफल अदा न करें। इसलिए कि ये आम पत्थर नहीं है, ये पत्थर वो है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम ने मोहम्मद मुस्तफा का तज़किरा किया है, मुझसे मेरा महबूब मांग लिया है। ये लम्हे बड़े कीमती हैं इसलिए कि इब्राहिम ने मोहम्मद का जिक्र किया है, और पैवस्त कर ले इन लम्हात को, रहती दुनिया तक दुनिया को मालूम हो जाए कि उस वक्त तक तवाफ करने वाले का तवाफ मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि इसके पीछे खड़े होकर दो नफल अदा न करें। कयामत तक लोगों को पता चल जाए कि ये यादगार जिक्र मुस्तफा है। जहां जिक्र रसूल होता है वहां रहमतों का वसूल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले। नात के हवाले से जो हुक्म था मैंने चंद अल्फाज में, चंद जुमलों में आपके हुक्म की तामील कर दी है। बहरहाल ये जिक्र उसका है कि जिसके जिक्र से सैरी नहीं होती है, ना हम मदहा का अदा खातर अदा कर सकते हैं, इसलिए कि वो रूह जमा है, वो जेब मकान है, चारा करे बेकसान, रहमत बेकरा हादिये दो जहां है, वो दिलों का सुकून, आरज़ूए ज़मीन हसरत आसमां है, वो वफा का भरम है, शफीउ उमम है, सरापा करम बारी से कैफ उतम जाने बैतुल हरम है, वो सबसे हसीन है, दिलों में नकी है, जिसका ईमान है कि है वो सबसे हसीन है। आप बुलंद आवाज से फिर सुभान अल्लाह कहिएगा, वो सबसे हसीन है, दिलों में नकी है, कलामे नबी है, काबे आशिकी है, नसबे अंग भी है, जू है, सदाकत की खू है, मुसावात की जस्तजू, अदल की गुफ्तगू, नगमाए अल्लाह हू
की सदा मजहर हुस्न खन्ना के अर्ज़ व सना है, वो हबीब खुदा है, खातम अल अंबिया है, अहमद मुस्तफा है, नबी मोहम्मद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है, उनका हक उनकी मजहर का हक हम जिंदगियां गुजर जाए आका सलातो सलाम की मजहर का हक अदा नहीं हो सकता है। और ये जो वक्त है हम इस वक्त को अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजहर सनाई में सर्फ करें, यही शक्ल अपना लें, आका सलातो सलाम का जिक्र करें। चंद अशआर मैं मुंतखब अशआर पेश करता हूं, जो फरमाइश भी है इंशाल्लाह वो भी चंद अशआर उसी में शामिल कर लूंगा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है, मुझे इल्म है कि यहाँ बहुत सी बातें होती रहती हैं, आपका जौक बना हुआ है, बरकाती साहब यहाँ पर है, जौक बना हुआ ही है, ये जौक मुझे देखना है आज, सुनाना तो दूर की बात है, अब सुनाना सुनना और चीज है, मुझे आपका जौक देखना है तो जौक कितना है और कितने जौक से आप सुनते हैं। ठीक है, अभी तक जरा कुछ खामोशी, मेरा ये तजुर्बा है कि जहां भी मैं पहली मरतबा जाता हूं तो वो लोग टेलीविजन पर देखते हुए जब अपने दरमियान देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता, टीवी पर देखा था तो वहां तो ऐसे लगते थे, यहां तो ऐसे लग रहे हैं, है ना, होता है हैरत से क्या मेरी तरफ देख रहे हो, लगता है कभी तुमने समंदर होना देखा। आप सुभानअल्लाह की सलाहों में जिक्र सुनिए, मैं आपके दरमियान हूं और मेरा शर्फ है कि मैं इस मस्जिद गौसिया में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ हूं। अहमद अदीम कासमी साहब के अशआर से आगाज करते हैं कि कुफर ने रात का माहौल बना रखा है, कुफर कुछ कहा है आप, कुफर ने रात का माहौल बना रखा है, कुफर ने रात का माहौल बना रखा है, आका हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है, हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है, कुफर ने रात का माहौल बना रखा है, हमने सीने में दिया तेरा जल, जिस जिसने जलाया है वो हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह करे, सीने में दिया तेरा जला रखा है, और तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, तुझे मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, तुझे मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, सुभान अल्लाह कम हो गई, कम हो गई है, इसलिए कि जरा मुश्किल है इस पर सुभान अल्लाह कहना। आप कहेंगे तस्लीम भाई कैसी बात कर दी, एक तो जन्नत भी ना मिले, ऊपर से आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह भी कहें, ये तो अजीब बात हो गई कि एक तो आप कह रहे जन्नत ही ना मिले, ऊपर से सुभान अल्लाह भी कहें, मुश्किल है ना जरा, है मुश्किल है, अक्ल गालिब आ जाती है कि जन्नत ना मिले, जन्नत के लिए तो कर रहे हैं, सुनिए खुदा की कसम जिसे जन्नत बाला मिल जाता है उसे जन्नत भी मिल जाता है। लिखा मदीना,
शहर की गलियों में तू चला करता है, गलियों में तू रहता है, इस शहर की गलियों के सल्ले तेरे कदमों पर छुआ करते हैं, इसलिए ये इज्जत शरफ का बायस है। अब सुनिए, अब जिसका जी चाहे वो सुभान अल्लाह करे। अब इस शेर पर कि फजीलत मकान की नहीं मकीन की है, कि तू मिला है तुझे मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले। है कि जिसे हुजूर मिल जाए उसे जन्नत न मिले, जिसे साथी कौशल मिल जाए उसे जामे कौशल न मिले, जिसे आकर इस्लाम का साथ मिल जाए उसे जन्नत न मिले। साहबा ने मिले तो कहा कि जन्नत तो हमें मिल जाएगी, उसके बरक्स जन्नत तो मिल जाएगी। यार सुनना, आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जन्नत तो मिल जाएगी, जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन हम कहां होंगे, आप कहां होंगे?